हेलो एवरीबॉडी, क्या आपने आईटीआई कर रखी है? क्या आप 12वीं करना चाहते हैं? तो अभी दोस्तों आपके पास मौका है, एक फार्म भरो और एक पेपर दे दो, 12वीं पास हो जाओगे। यदि आप जाना चाहते हैं पूरी डिटेल को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है या लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर तक करें आवेदन, इसके बाद मार्च 2020 में होगी परीक्षा, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, 16 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आईटीआई पास भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा देकर ले सकेंगे 10वीं या 12वीं की सर्टिफिकेट। तो दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए। अमर उजाला न्यूज़पेपर की कटिंग है हिसार की तरफ से, आईटीआई पास करने वाले विद्यार्थी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट पाने के लिए मार्च 2020 में अपनी परीक्षा दे सकेंगे। 8वीं कक्षा की योग्यता वाली ट्रेड से आईटीआई करने वाले विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी विषय की परीक्षा देने पर 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी कोर या अंग्रेजी कोर में से कोई एक विषय की परीक्षा देकर 10वीं के बाद आईटीआई करने वाले विद्यार्थी 12वीं का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो 8वीं जिसने करी है आईटीआई से, 8वीं बेस पे आईटीआई की है तो आपको 2 पेपर देने होंगे, और यदि आपने 10वीं बेस पे आईटीआई की है तो आपको 1 पेपर देना होगा हिंदी या इंग्लिश में से। आपका जो प्लस टू का इक्विवेलेंट आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। विद्यार्थियों की परीक्षा मार्च 2020 में होगी और इसके लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। 16 अक्टूबर के बाद लेट फीस के बाद आवेदन करना होगा। इनके अलावा स्कूली परीक्षार्थी, सौम पाठी, अतिरिक्त विषय, रीअपियर, अंक सुधार आदि के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। आईटीआई से डिप्लोमा हासिल करने के बाद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में दिक्कतें आती थी, उन्हें आईटीआई करने के बाद भी 10वीं व 12वीं की कक्षा पास करने के लिए दाखिला लेकर उस कक्षा की सभी परीक्षाएं पास करनी होती थी। इससे विद्यार्थियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। लेकिन वर्ष 2016 में केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के बाद हरियाणा आईटीआई में भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। बोर्ड के अनुसार 10वीं के बाद आईटीआई में 2 वर्षीय ट्रेड के साथ 12वीं के हिंदी या अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा उत्तीर्ण करने पर बोर्ड 12वीं के समकक्ष मान्यता देगा। 10वीं के बाद 1 वर्षीय ट्रेड के आधार पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के अप्रेंटिस प्रमाण पत्र को शामिल कर 12वीं की हिंदी या अंग्रेजी भाषा में एक भाषा उत्तीर्ण करने पर बोर्ड द्वारा संचालित 12वीं परीक्षा के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आपने 10वीं बेस पे आईटीआई की है तो आप अभी फार्म भर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के फार्म भरा जा रहा है। 17 से 21 अक्टूबर तक 100 रुपये लेट फीस आपकी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। 22 से 26 अक्टूबर के बीच में 300 रुपये लेट फीस लगेगी आपकी एक्स्ट्रा से। 27 से 31 अक्टूबर के बीच में 1000 रुपये आपकी लेट फीस हो जाएगी। दोस्तों आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, या आप हिंदी का दो या आप अंग्रेजी का दो, वो आपकी मन की मर्जी है। आप यदि प्लस टू करना चाहते हैं, आपने अभी तक प्लस टू नहीं की लेकिन आपने आईटीआई कर रखी, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। मार्च 2020 में आपका एग्ज़ाम होगा और आप प्लस टू कर जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।